कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी द्वारा देश के उद्योगपतियों के प्रति अचानक हृदय परिवर्तन ने प्रदेश की जनता, कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ हमें भी अचंभित किया है। पूर्व में उनके लोकसभा के बयान को सुनने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अदानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अदानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट की बात होती है अदानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई, अदानी जी। सब जगह अदानी 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 अदानी। लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई, और सबसे जरूरी जवाब सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा है? जो सदियों में बयान ना हो सकी वो लम्हों में सिमट गई। यह सियासत की सरफरोशी थी जो लफ्जों में फना हो गई। जी, तीन राज्यों तक सीमित हुई कांग्रेस की तेलंगाना सरकार ने 12,400 करोड़ के अनुबंध किए हैं। 5,000 करोड़ का 100 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का एग्रीमेंट अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के साथ हुआ है। 5,000 करोड़ का अनुबंध अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ हुआ है। वो 850 मेगावाट बिजली उत्पादन जो करेगा। 1400 करोड़ का एक सीमेंट प्लांट का एग्रीमेंट अदानी समूह के साथ हुआ है, जिसमें लगभग 700 एकड़ भूमि सरकार ने देगी। 1,000 करोड़ का अदानी एरोस्पेस पार्क एग्रीमेंट भी संपन्न हुआ है। अदानी एक स्किल यूनिवर्सिटी भी वहां खोलेगी। आगामी कुछ वर्षों में अदानी समूह की लगभग 36,500 करोड़ के निवेश की संभावना है। यह दोगलापन ही है केवल भारतीय जनता पार्टी को के साथ उद्योगपतियों को जोड़कर समाज में भ्रम उत्पन्न करने का एक संयोजित प्रयास है। कांग्रेस जनता के बीच जाकर इसका जवाब दे। इसे समझने की आवश्यकता है, यह कांग्रेस का प्रचार है एवं चाल चरित्र व चेहरा। लोकसभा से राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंचों तक आप भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली व उद्योगपतियों को कटघरे में खड़ा करते रहे, रात को उन्हीं के साथ हाथ भी मिलाते रहे। मैं कांग्रेस के मित्रों से ये पूछना चाहता हूं, हमने विकसित भारत संकल्प 2047 लिया है, आपने राष्ट्र निर्माण का क्या संकल्प लिया है? केवल भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करना? जिन उद्योगपतियों को आप भारतीय जनता पार्टी के मित्र बताते थे, उनसे एग्रीमेंट की एवज में आपने कितना चुनावी सहयोग लिया है, जनता को बताएं। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रत्येक नागरिक जो राष्ट्र निर्माण में कार्यरत है उसका सम्मान करती है। हिमाचल के सम्माननीय मुख्यमंत्री जो आर्थिक तंगी व बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं, स्थानीय उद्योग जगत पलायन की स्थिति में आ गया है, उन्हें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी से ही संवाद कर लेना चाहिए, अन्यथा दलगत राजनीति प्रदेश को 10 वर्ष और पीछे ले जाएगी।